दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि मछली का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है तो ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि स्विमिंग। और ये बात तो आप भी जानते हो कि स्विमिंग वाला मछलियों से अच्छा कौन कर सकता है, हम तो बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे बर्ड की स्पेशल क्वालिटी होती है उड़ना, वैसे ही मछली की स्पेशल क्वालिटी होती है तैरना। वो पानी में काफी अच्छे से तैर लेते हैं। हालांकि कुछ बर्ड जैसे ऑस्ट्रिच, पेंगुइन या फिर चिकन उड़ नहीं सकते, उसी तरह कुछ मछली ऐसे भी हैं जो पानी में पैदा तो होती है मगर पानी में तैर नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, वो पानी में तैरती नहीं बल्कि चलती है। तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसी मछली के बारे में बताने वाला हूँ जो तैरती नहीं बल्कि पानी में चलती है और उसके विंग्स हाथ की तरह होती है। उन्हीं के मदद से वो समुद्र के सरफेस पर चलती है। ये काफी रेयर पाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। ये मछली काफी रेयर पाई जाती है, मतलब ये इतना ज्यादा रेयर पाई जाती है कि इनकी केवल 2 आबादी समुद्र में पाई जाती है और दोनों की आबादी एडल्ट की तादाद में 50-50 है। और शायद यही वजह है कि ये अपने अंडों की रक्षा हद से ज्यादा करती है। जब तक अंडे में से बच्चे बाहर नहीं आ जाते तब तक ये उस जगह से हिलती नहीं है, कुछ तो खाने के लिए भी नहीं जाती। दूसरी मछलियों की क्वालिटी होती है कि जब अंडे से बच्चे बाहर निकलते हैं तो वो अपनी आबादी का प्रचार करने के लिए ओशन वेल्स का सहारा लेते हैं और समुद्र में दूर दूर तक फैल जाते हैं। ये खुद से स्विमिंग नहीं करते बल्कि वेल्स के सहारा लेकर इधर उधर फैल जाते हैं। कभी इन्हें अच्छा माहौल मिल जाता है तो वो वहाँ पर बड़े होते हैं और अगर इन्हें अच्छा माहौल नहीं मिल पाता तो ये दूर समुद्र में पहुंचकर इनकी मौत हो जाती है। लेकिन अगर बात की जाए हैंड फिश तो हैंड फिश के बच्चे ये इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनकी बॉडी बहुत ज्यादा डेंस होती है और हैंड फिश अंडे से निकलने के बाद सीधा समुद्र के सरफेस पर पहुंच जाती है और ये बाहर ओशन वेल्स का सहारा लेकर दूर दूर तक नहीं जाती। इसीलिए इनकी आबादी दुनिया में केवल 2 जगह पर मौजूद है और ज्यादा एरिया में इनका प्रचार नहीं हो पाया है और यह इनके लिए खतरा भी बन सकता है कि अगर इनमें से कोई भी आबादी खत्म हो जाती है तो ये एक्सटिंग होने के तगार पर पहुंच जाएंगे। हालांकि खुशी की बात यह है कि इंसानों को इनके बारे में पता चल गया है। वैसे हमें जिन मछलियों के बारे में पता चलता है और उनकी तगात अगर ज्यादा हो हम उसे खत्म करने में लग जाते हैं, जैसे कि व्हेल्स, लेकिन हैंड फिश की तगात काफी कम है इसलिए हम इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हैंड फिश कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, इसके तहत इनकी आबादी को बचाया जाए और समुद्र में दूर दूर तक फैलाने का काम किया जाएगा। पर एक सवाल, इन्होंने स्विमिंग करने के बजाय समुद्र में चलना क्यों चाहा? आखिर जब हम इंसान जमीन पर रहते हैं तब हमें स्विमिंग करना ज्यादा पसंद होता है, लेकिन ये तो समुद्र में होने के बावजूद स्विमिंग नहीं करते, इसकी क्या वजह हो सकती है? शायद इसकी वजह ये कि इनकी आबादी बेहद कम है और अपनी आबादी से दूर जाना खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए थोड़ा बहुत चलकर अपना काम निपटा लेते हैं और अपनी आबादी से दूर नहीं जाते ताकि इनकी आबादी बची रह सके। या फिर कोई और भी वजह होगी जो शायद हमें आगे चल के पता चले, तो आगे पता चलेगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। उसके पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और देखते रहिए बी विद द बेस्ट दुबे का ज्ञान।